रेलवे ट्रेनिंग के 17वें दिन मेहनती स्टूडेंट जहां पढ़ते दिखाई देते हैं, वहीं हमारे ये महाशय ऐसे परफ्यूम का प्रमोशन करते हैं जिनका इनको नाम ही नहीं पता, और इनका कैंटीन के बिस्कुट को इकट्ठा कर मॉल बनाने का सपना शायद पूरा हो जाए। इसी पॉजिटिविटी के साथ जैसे हम बाहर निकलते तो सन्नाटा सा दिखता है, बाथरूम में कोई नहीं होता है क्योंकि आज था एक बैच का फाइनल एग्जाम। अब जाते हैं एक ऐसे रूम में जहां लगती है टॉपर्स की सभा, और आपको भी ये पता करना है कि किताबों का जूस कैसे निकाला जाता है तो आप इस रूम में आकर पता लगा सकते हैं। इसी चीज को हम सीख कर पहुँच जाते हैं अपने कदमों को मोड़कर कैंटीन की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, जहां मैं फिर महसूस हुआ कि लाइन बहुत छोटी है क्योंकि आज बच्चों का एग्जाम है जो कि 1 बजे खाने के लिए मात्र आएंगे। क्लास में पहुंच अपनी पसंदीदा जगह ले, दोस्तों की मस्ती देख, मॉनिटर को होली की छुट्टियों के लिए घेर लेते हैं, इसमें चाय और बिस्कुट का आनंद ले, दोस्तों के अच्छे पेपर होने की खुशी में खुश हो, करते हैं अपने ब्लॉग को समाप्त। और दोस्तों यदि अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो किसका इंतजार करें, फॉलो बटन दबाएं और फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।